फतेहपुर जिले के सुरजीपुर गांव में एक महिला आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजन नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला खाना बनाने गई थी और शायद गैस पहले से ही खुली थी, जिसके चलते माचिस जलाते ही आग लग गई और आग ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। 15 मिनट पहले हमारे पास 108 सेवा एम्बुलेंस से एक लगभग 60 वर्षीय महिला लगभग 50% के आसपास जली हुई आई है, और जैसा कि घर वालों ने और आप हमें बताया कि वो गैस सिलेंडर के जल गई है, और उसका अभी प्राथमिक उपचार करके बाकी इंजेक्शन लगा के तो हमें भर्ती कर लिया है। क्योंकि इस समय तो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन आगे के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, और भर्ती करके वार्ड भेज दिया गया है सुरजीपुर से। क्या गैस खुली हुई थी क्या? पता नहीं भैया, यही बनाते खाते में, पता नहीं खुली रहेगी बंद रहेगी। किस गांव से आई हैं? सुरजीत। थाना? क्या नाम है आपका? माँ का क्या नाम है? केसरी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल में एक वक्त हुआ करता था जब गरीब तबके का मरीज इलाज के लिए ही आता था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा के चलते डॉक्टर से लेकर पैथोलॉजी, एक्सरे विभाग, अल्ट्रासाउंड, दवा वितरण कक्ष हो या पर्चा बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइन, सभी जगह लोगों का हुजूम उमड़ा है। बारिश के चलते शहर से गांव तक बीमारी ने अपनी दस्तक दे रखी है, इसी वजह से मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। वैसे पहले की बजाय अब लोगों का रुझान सरकारी अस्पताल की तरफ काफी बड़ा है। अब यहां मरीजों को बेहतर सुविधा, अच्छे इलाज के साथ साथ जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। इसके चलते मरीज बाहर प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाकर सरकारी अस्पताल में आना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। देखी जा रही मरीजों की क्या वजह हो सकती है? इस समय थोड़ा सा डिजीज का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसमें वायरल फीवर और फीवर के मरीज और आ रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा भीड़ है, थोड़ा हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं, यही मरीज पहले प्राइवेट में जाना पसंद करते थे, इम्प्रूव हुई है, और हमारे यहाँ जो मेजर ऑपरेशन है वो भी अच्छे हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मरीजों का आकर्षण बढ़ा है, जिससे भीड़ काफ़ी बढ़ी है, और हम चाहते हैं कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग सेवा दें। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराध और अपराधियों का खात्मा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन यूपी के कासगंज जनपद में लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बीती शाम 7 बजे 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में तमंचों के बल पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला और फरार हो गए। वारदात को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उक्त लुटेरों ने तमंचे से फायर कर दिया। साथ ही लुटेरों अपने आप को घिरता देख एक बाइक को वारदात स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। अंजाम दिया है सदर कोतवाली क्षेत्र में, क्या पूरा मामला रहा है? और जब उन्होंने पूछा कि बता दें फायरिंग के लिए तो फायर तो नहीं हुआ, और ऐसे जब से बता दी जाँच की जाए और टीमें लगा दी गई और चली कराई जा रही है। सर क्या कारण है सदर कोतवाली क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं? पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। अधिकांश घटना तो वही सब खोली जा चुकी है, घटना से भी घटना नहीं है, रावण पुलिस अभी घटना इसके जल्द से जल्द कर सके। क्या हुआ, घटना क्या हुई थी? दुकान बढ़ा के आ रहा था, पीछे से 4 लड़के आए, 2 बाइक को पकड़ा, उन्होंने पहले मेरी बाइक में लात मारी, तब बाइक गिर गई, तो उन्होंने मेरे दायर बंदूक रखती मेरे कान पर, फिर मेरा बैग उतार दिया उन्होंने, बैग में थे 5.5 लाख रुपए, गिने हुए बिल्कुल 5.5 लाख रुपए दुकान से। क्या क्या काम करते हो आप? सर मेहनता का काम करते हैं। कहाँ जा रहे थे इसको लेकर? अपने गाँव जा रहे थे। कौन सा गाँव है? गाँव मनोटा, हॉस्टल से गला। तो
किस तरीके से वो लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी उनके साथ? दो गाड़ी थी सर, लगभग सर मेरी एज के लड़के थे, चार लड़के थे, चारों मेरी एज के लड़के थे। किधर की तरफ भागे? उधर की तरफ भागे, पुल के नीचे की तरफ रास्ता है, वो एरोली की तरफ भागे वो लड़के। क्या उनके हाथ में नाजायज तमंचे भी थे? जी दो तमंचे थे उनके पास, एक ने चला दिया था, मेरे बगल से हो गया तमंचा, मेरे बगल से हो गया। कितनी देर के बाद पुलिस घटनास्थल पर आई? लगभग सर 20-25 मिनट, आधा घंटा लगभग, आधा घंटा। ग्वालियर में भाजपा के विरोध को दरकिनार कर पूर्व सांसद ज्योतिराज सिंधे ने स्मार्ट सिटी पर आला अफसरों को चाय पर बुलाकर चर्चा की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ ही अफसरों से नए प्रोजेक्ट पर प्लानिंग जानी। आपको बता दें, इस पूरी बैठक से मीडिया को दूर रखा गया था। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी को लेकर ग्वालियर के अफसरों की बैठक बुलाई तो भाजपा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। भाजपा नेताओं का आरोप था कि ज्योतिराज सिंधे किसी भी असंवैधानिक पद पर नहीं है, ऐसे में वह सरकारी कामकाज के लिए अफसरों की बैठक नहीं ले सकते हैं। जबकि इन सब विरोध को दरकिनार कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर अनुराग चौधरी, ASP नवनीत भसीन, स्मार्ट सिटी CEO महीप तेजस्वी, नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को चाय पर चर्चा के लिए बुला लिया। पूर्व सांसद से मिलने के लिए सभी अफसर समय से पूर्व जयविलास पैलेस में मौजूद थे। कोई बैठक नहीं थी, एक ऐसी चाय पे नॉर्मल डिस्कशन था, कोई भी आज गवर्नमेंट बैठक नहीं थी और कोई बैठक आज थी नहीं, आज कोई बैठक नहीं। चर्चा तो ऐसे इनफॉर्मल टॉक था, लेकिन कोई शासकीय मुद्दा नहीं था। हाँ हाँ, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बैठक नहीं थी, नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके साथ चाय पे चर्चा थी। एक सभी जो जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ, सभी के साथ चाय पे चर्चा की गई थी। कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी आज ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और आज केवल आज चाय पे एक चर्चा थी, रूटीन से एक चर्चा थी। मोबाइल थोड़ा और संगठन के बीच में तालमेल, उद्देश्य एक ही है कि जनता की कठिनाइयों का सुनवाई हो, क्योंकि जनता की कठिनाई के समीप सबसे करीब संगठन होता है। संगठन मान्यता देना, सम्मान देना सत्ता की जिम्मेदारी होती है। फीडबैक मैंने संगठन से लिया है, क्या क्या कदम संगठन उठा रही है, क्या क्या मेहनत मशक्कत संगठन कर रही है, और जहाँ जहाँ संगठन के हमारे लोगों की आशा और अभिलाषा भी है, जनता की समस्याओं का समाधान है, ताकि एक संगम बन पाए सत्ता और संगठन के बीच, ताकि जिस धारणा के साथ हम लोग सरकार में आए, जनता के विकास के लिए, जनता की प्रगति के लिए, उस धारणा को पूर्ण रूप से हम लोग साकार कर रहे। देखिए, मेरा दृष्टिकोण है आगे का देखना। हम सब में कमियां जरूर हुई होगी, नहीं तो ये नतीजा नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब कमियों को कैसे दूर करना, संगठन और सरकार को दोनों किस तरीके से मजबूत करना, इस सोच विचारधारा के आधार पर मैं आगे जा रहा हूँ। जिस पार्टी ने तो कभी किसी विकास और प्रगति की योजना पे ना चर्चा की, ना क्रियान्वयन की, उनकी तो विचारधारा ही होगी आपत्ति करने के लिए। भाजपा की सोच है कि अपने आप कुछ भी मत करो, और अगर कोई और कुछ कर रहा हो उनकी भी किसी तरह से उस काम में अड़ंगा पैदा करो।
खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां इलाहाबाद बैंक से पॉकेट चोर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बैंक परिसर में एक व्यक्ति पैसे डलवाने आया था, तभी पॉकेट चोर ने उसकी जेब से पैसे चोरी कर लिए और फरार हो गया। लेकिन उसी दौरान उसे बैंक के अंदर मौजूद अन्य व्यक्तियों ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। वही पुलिस मौके पर आई और आरोपी को पकड़ कर अपने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। कैसे पकड़ रहा चाचा? कैसे गेट पे वहाँ से पैसा निकाल के भाग रहा था, तो गेट पर वो हल्ला किए, गेट पे बैठे थे तो लोग गेट से बाहर निकले, तो लोग वहाँ पकड़े। पता नहीं कि है कहाँ का है, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं बिजनौर के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों और सड़कों पर भरे पानी की वजह से मजबूरन लोग गांव से पलायन करने लगे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद प्रशासन इनकी सुध लेने गाँव तक नहीं पहुँच पाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, कहाँ के निवासी हैं? हम राम साय वाला, राम साय वाला, थाना मंडावर, जिला बिजनौर। जी सतीश कुमार जी, ये बताइए, आपके ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं? हमारे गांव में ज़्यादा पानी की समस्या हो रही है, रास्ता बंद हो चुका है, बाढ़ के कारण एक रास्ता था वो कट चुका है, इसलिए गाँव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितने घर पलायन कर चुके हैं? अभी कम से कम 50% लोग बाहर जा चुके हैं। तो इस तरह की दिक्कतें क्या हर साल आती है या इसी बार? हाँ, कहीं 2-3 साल से आ रही हैं। पहले बंदा था, उत्तराखंड सरकार का बंदा था, उससे पहले नहीं कोई दिक्कत थी, 2 साल से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन कुछ मदद करे, भाई रास्ता हो, हमारे बांध बने, गाँव में कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी शीमारी का डॉक्टर लगो, कुछ सुविधा हो जाए, जो गांव में कुछ लोग रुके हुए हैं उनके लिए सुविधा हो जाए। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां गांव पुरैना में मोरम की खदान अवैध तरीके से संचालित हो रही है, जिसकी जानकारी यहां के तहसीलदार SDM को भी है, फिर भी अधिकारियों के द्वारा इस मोरम की अवैध खदानों पर रोक नहीं लगाई जा रही। वही बताया जाता है कि अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं की मशीनें रात 12 बजे के बाद खुदाई करती है और सुबह 5 बजे से पहले बंद हो जाती है। आप फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए हैं? मेरी गाड़ी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने उसकी फोटो भी बाकायदा रखी है। मैंने भी आपको कहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, जो है तो हमारे ऑफिस आइए, आप वहां कागज देखिए, परमिशन देखिए, उसके बाद जो है। ऑफिस कहां पर है आपका? हमने बताया ना, शाहनगर में है। शाहनगर में कहां पर ऑफिस है? मेन शाहनगर में है। मैं शाहनगर में मोहल्ला गली कुछ तो पता होगा, कहां पर शाहनगर में? शाहनगर कोई छोटा मोहल्ला थोड़ी है, किस तरफ है? स्टैंड के पहले। स्टैंड के पहले। कंपनी का क्या नाम है आपकी? रामराज कंपनी। और आपका नाम? इतना ज्यादा ओवर मत करिए। नहीं, मैं ओवर कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ साधारण तौर पर कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना शुभ नाम बताइए। आ रहे हैं तो आप उनसे बात करिए, शकल दिख रही है ना मेरी, मेरी कंपनी में दिखाएंगे तो पता चल जाएगा मेरा नाम। तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? पन्ना जिले की नगर परिषद काकरहाटी में कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय में स्थानीय कर्मचारियों को छोड़कर सभी 1 बजे तक कार्यालय पहुंचते हैं। इधर कार्यालय में काम कराने आने वाले आम लोगों से कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। यहां तक लोगों का कहना है कि नगर परिषद काकरहाटी के कुछ कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार तक नहीं किया जाता। चरथावल के रोनी हाजीपुर में ठाकुर पूरन सिंह की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोचनीय मुद्दा ये रहा कि सभी रोनी हाजीपुर के लोगों के पुराने गिले शिकवे सभा में बोले और सभी ने एकजुट होकर संगठन के साथ एकजुट होने का वादा किया। बताइए आज का कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम तो कब से चालू है? 3 बजे तक बैठे भाई, कार्यक्रम नहीं है, ये तो पीड़ा में बैठे सब। अच्छा। और पीड़ा ही है, अपना रोना रो रहे, किसान सभा है, सरकार का। कैसा रोना रो रहे जी? रोना बिजली का बिल बढ़ रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, अब तो स्कूल में तो बालकों को बस्ता टैंक का कंधे पे उन्हें हमारे घरों भेज दें, हम वह बुग्गी भर के वहाँ से मिल में गिर जाए, वह माला तो ये लकड़ा जुड़ रहा। फिलहाल अभी तक पेमेंट नहीं होया,
पेमेंट हुआ नहीं, पेमेंट होने का भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है आगे की भी। अगर बिना लड़ो इन तो रो रहे यहाँ बैठे हुए, मैं किस तरीके से पेमेंट को ले, किस तरीके से बिजली के बिल घटावे, किस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को करें। किसान की यही जिम्मेदारी है क्या कि भाई वो हमेशा आंदोलन करता रहेगा, वो सड़क पर रहेगा। हमारे पूर्वज आंदोलन करते हुए चले गए, हमारे बड़ों ने आंदोलन करा, अब क्या ये आगे जो नवी पीढ़ी है ये भी आंदोलन ही करे क्या? हम कह रहे हैं सरकार से एक ऐसी व्यवस्था बना दे कि ये संगठन जो किसान संगठन है ये समाप्त हो जाए, और सरकार ही एक बार बैठ के एक ऐसी कमेटी का गठन कर दे जो सरकारों की किसानों की समस्याओं पर बैठ के विचार करे, और वो गांव गांव जावे, क्षेत्र में जावे। जैसे हम घूम रहे भाई, हम किसान संगठन बनाएगा, हम भी तो गांव गांव घूम रहे। जब सरकार के एमपी और विधायक वोट मांगने के लिए आवे, जब भी तो जावे गांव गांव, तो वो विधायक और एमपी अब गांव में आके किसानों से क्यों नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा भुगतान नहीं हुआ, मेरे साथ मिल में चलो, या मैं तुम्हारी बात लोकसभा विधानसभा में उठाऊंगा। ये हमने ठेका ठहरा के आगे इस बात का कि भाई हम आंदोलन कर, हमारे बड़े भी आंदोलन में थे। अब लोग एमपी विधायक है, किसान लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान इनके बारे में क्या कहे, तो अपने बारे में अपना आप ही कहे। वहाँ जब इनकी तनख्वाह बढ़ाए मेज बजा में, और जब हमारी तनख्वाह का नंबर आए चुप हो जा। इनका कहा, इनसे तो कोई बात ही नहीं हो रही। अभी तो हम आपस की सलाह कर रहे, हमारी सलाह ठीक ठाक होगी तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, हमारी बन जाएगी, और हमारी सलाह ना हुई तो उनकी बंद ही रही, हमारी तो बंद है ही। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे की प्रीत विहार कॉलोनी में गृह कलेश के चलते एक महिला ने दो बच्चों के साथ आग लगा ली। तीनों को झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला और उसकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई है, जबकि 5 साल के बेटे का उपचार अस्पताल में ही चल रहा है। प्रीत विहार क्षेत्र में गंभीर घटना हुई, लगभग 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ जो है परिजनों की गैर मौजूदगी में कमरे में जो है मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली, और मौके पे थाना प्रभारी मौके पे पहुंच के घटना को अटेंड किया। मौके पे मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें ये प्रकरण संक्षिप्त रूप से सामने आ रहा कि महिला का कुछ अपने पति से पारिवारिक कुछ कलह हो गई थी, विवाद हो गया था, जिसमें ये 3:30 बजे उसमें इसके सास ससुर भी मौके पे नहीं थे ऐसा बताया जा रहा है, पति भी कहीं काम से गया हुआ था। तो उस विवाद के चलते इसने घर के अंदर जो है कुंडी लगा के, और इसका इनका बेटा 5 साल का है ललित और छोटी बेटी थी रीना, उनके साथ इन्होंने मिट्टी का तेल डाल के जो है आग लगा दी। मौके पे ये गंभीर रूप से झुलस गई, और रीना भी बच्ची भी गंभीर रूप से झुलस गई, तो मौके पे इन दोनों की मृत्यु हो गई। बेटा जो है वो झुलस गया, उसने तत्परता दिखाते हुए कुंडी खोल के वो मौके से वहाँ से निकल के भागा। सूचना मिलने पे तुरंत जो है प्रभारी निरीक्षक के द्वारा घटना अटेंड की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को जो है मोर्चरी भेज दिया गया है, और पोस्टमार्टम की पंचायतनामा भरवा दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और उनके परिजनों को भी, मृतका के परिजनों को भी ये सूचना दे दी गई है। फिर जिस प्रकार की जैसी भी तहरीर आती है, जो भी आती है, उसके आधार पर जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना कैसे हुई है और उसके पीछे क्या कारण थे, ये प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है इसकी भी जो है जाँच की जाएगी, और जैसा भी इसमें तहरीर मिलेगी या जो भी उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई की मांग की जाएगी, पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस और एसटीएफ नोएडा की संयुक्त टीम की 3 बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 1,00,000 रुपए का इनामी बदमाश मेहरबान गोली लगने से ढेर हो गया, और बदमाशों की फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। इनामी बदमाश के कब्जे से 1 सेंट्रो गाड़ी और अवैध असलहा बरामद किया गया है। क्या जानकारी अब तक बदमाश के बारे में मिली है? देखिए, आज एक कोयल अपार्टमेंट जो कि साहिबाबाद थाने में पड़ता है, वहाँ एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिस पुलिस मुठभेड़ में एसटीएफ की नोएडा यूनिट और हमारी साहिबाबाद की पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी। इसमें एक सेंट्रो कार में 3 बदमाश थे, और उनके द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो कोयल अपार्टमेंट में घुसे, और तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की काउंटर फायरिंग में एक बदमाश मेहरवान, जो कि 1,00,000 का इनामी बदमाश है और 65,00,000 की जारचा में लूट हुई थी उसमें शामिल था, वो घायल हुआ। हमारे एसटीएफ यूनिट के 2 एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल भी घायल हुए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां मेहरवान को मृत घोषित कर दिया गया है। ये एक छात्र बदमाश है, इसके ऊपर 30 से अधिक लूटपाट के, मर्डर के और गंभीर अपराध के मुकदमे इस पर पंजीकृत। सर, क्या ये पता चल पाया कि आज ये किस उद्देश्य से अपनी टीम के साथ जो है वो गाजियाबाद आया होता है? ऐसा कुछ
देखिए ये शातिर लुटेरे हैं और पहले भी लूटपाट में शामिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर गाजियाबाद के साहिबाद क्षेत्र में घुसे थे। सर फरार बदमाशों के बारे में कोई जानकारी अभी? देखिए अभी कोई जानकारी फरार बदमाशों के बारे में नहीं है, क्योंकि ये बदमाश गंभीर रूप से घायल था और उसके बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभी फॉर्मिंग चल रही है और हमारा प्रयास है कि उन्हें पकड़ा जाए।